हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का आगे का एक्सरसाइज, दैट इज 2, 3 एंड 4। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 2। पहले हम प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं। इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं हर एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन जो टफ टफ क्वेश्चन है वो हम यहाँ करने वाले हैं और इजी वाले आप अपने आप ही सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस सेट 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। ड्रॉ ट्राइंगल विद द मेजर्स गिवन बिलो। अब ये मेजर्स दिए हुए हैं, इनके मुताबिक मुझे यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल ABC। जो भी मुझे बनाना है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसका एक रफ खाका बनाऊंगा, एक रफ इमेज बनाऊंगा ताकि मुझे उसे बनाने में आसानी हो। तो ये मान लीजिए कुछ इस तरह से ABC बनेगा और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है इनके अंदर तीनों भी साइड्स दी हुई है। तो ये है सबसे आसान बनाने वाले ट्राइंगल्स, ये बनने में सबसे आसान होते हैं, इनमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती। ABC में देखिए, AB इज गिवन 5.5, AB इज 5.5, BC इज 4.2 एंड AC इज 3.5। इस तरह से मुझे ABC यहाँ पर बनाना है दोस्तों। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सबसे पहले अपने एक रूलर लूंगा और एक लाइन जो बेस है मेरा BC वो बनाऊंगा, विच इज 4.2। तो 4.2 यहाँ पर मैं लूंगा, ये हो गया मेरा 4.2। देखिए दिस इज, मैं मानता हूँ ये है 4.2। अब मुझे AB करना है 5.5 और AC करना है 3.5। ये है मेरा BC। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ इस्तेमाल होगा राउंडर का, और राउंडर का AB बनाने के लिए मुझे 5.5 लेना है। तो मैं अपने रूलर से 5.5 लूंगा यहाँ पर, मैंने मेजरमेंट्स डबल लिए हुए हैं ताकि ये आसानी से बन पाए, आपको डबल लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स 5.5, तो मैं इस तरह से 5.5 लूँगा और यहाँ पर एक आर्क बनाऊँगा। उसके बाद में सेकेंड AC मेरा बनने वाला है 3.5, तो अब की मैं 3.5 लूँगा। मैं इसमें 7 ले रहा हूँ, आपको 3.5 लेना होगा, मैंने डबल लिया है ताकि आपको समझ में आए, इतना छोटा ना बने, और यहाँ पर एक आर्क बना दूंगा। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, और जैसे ही जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि मेरी दो साइड्स जो है उसी हिसाब की है जो मुझे चाहिए थी, मतलब ये 5.5 और ये 3.5। मैंने डबल लिया तो मुझे ये 11 मिलने वाला है एग्जैक्ट, देखिए यस, और ये 7 मिलने वाला है, देखिए आपको ये जो आप लेंगे वो मिलेगा। तो ये बनेगा 5.5 और ये बनेगा 3.5। तो तीनों साइड जब दी हुई रहती है तो इस तरह से ट्राइंगल हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा अलग क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल आर दोज ट्राइंगल विच हैव टू साइड इक्वल, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है और दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड 3.5 सेंटीमीटर ईच। इसका मतलब इसका बेस होगा 5 सेंटीमीटर, मैं इसका बेस को कंसिडर करता हूँ QR और PQ और PR को अदर साइड्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने QR बनाया है विच इज़ 5 सेंटीमीटर, इट इज़ अ रफ इमेज। अब हमें यहाँ पर रियल इमेज बनानी है, तो उसके लिए हम इक्विपमेंट्स ले लेते हैं। दिस इज़ माई QR एज आई कंसिडर्ड देयर विच इज़ 5 सेंटीमीटर, मैंने डबल बनाया है, आपको अपनी बुक में 5 सेंटीमीटर बनाना है। और अभी मुझे 3.5 सेंटीमीटर का रेंज लेना है, तो मैं उसका डबल लूँगा ताकि आप ये अच्छी तरह से बन पाए, आपको 3.5 ही लेना है। देखिए दिस इज 7, ओके डबल देन 3.5, आपको 3.5 लेना है। वापस से मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये गलती होनी नहीं चाहिए दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर से इसको रख कर एक आर्क बनाऊँगा यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ पर रख कर एक और आर्क बना दूंगा। तो ये दो आर्क बने, अब इन दोनों को जोड़ना बचा है हमारा काम, तो फटाफट से इनको जोड़ते हैं और देखते हैं कि भाई क्या मिलता है हमें। जब इसे जोड़ूंगा तो इट गोना बी 7 सेंटीमीटर, आपका आएगा 3.5 एग्जैक्ट, और जब इसको जोड़ूंगा तो ये भी होगा 7 सेंटीमीटर और आपका आएगा 3.5 एग्जैक्ट।
तो दिस इज 3.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज माई पी क्यू आर। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए जिसका साइड है 3.6.5। तो आपको 6.5 का एक बनाना है, 6.5 ही लेकर दोनों तरफ से आर्क खींचकर दोनों साइड बनानी है, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। ये सबसे इजीएस्ट वे हो जाता है अगर आपको तीनों साइड्स मिली हो। और यहाँ पर आपको इन जो ये वाली जो एक्सरसाइज है विच इज प्रैक्टिस सेट टू, इसके अंदर क्वेश्चन इसीलिए आसान है कि तीनों साइड दी हुई है। अब जो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे जो इसके बिल्कुल बाद में, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया रहेगा। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये है प्रैक्टिस सेट थर्ड का क्वेश्चन। इसके अंदर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अब तक हमने सेकंड किया था, सेकंड में जो हमें ट्रायंगल्स बनाने थे उन ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स दी हुई थी जो बनाना सबसे आसान था। ये उससे थोड़ा एक स्टेप आगे है। यहाँ पर दो साइड दी होगी और एक एंगल दिया होगा। ये आसान उतना ही है, उल्टा ये एक्यूरेट ज़्यादा बनता है। देखिए कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू मैंने लिया है प्रैक्टिस सेट थ्री का ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो इन NTS मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया है। इन NTS दिया हुआ है कि एंगल NTS इज 40 डिग्री एंड एंगल NT इज इक्वल टू TS एंड बोथ आर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसे 5 सेंटीमीटर लिया है विच इज TS। अब मुझे इस वाले एंगल पे 40 डिग्री का एंगल खींचना है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं मेरा प्रोटेक्टर लूँगा, इसे इसकी नोक को यहाँ पर रखूँगा बिल्कुल इस तरह से। देखिए इस पॉइंट को, अब मैं देखूँगा ज़ीरो कौन सा वाला है जो लाइन की तरफ है। अंदर वाला ज़ीरो है, देखिए बाहर 180 है, अंदर ज़ीरो है। अब इस ज़ीरो से मैं जाऊँगा 40 तक। दिस इज़ माई 40। तो यहाँ पर मैं एक मार्क बनाऊँगा एंड दिस इज़ माई 40 डिग्री। ये क्या है मेरा 40 डिग्री। अब मुझे इस मार्क से इसे खींच कर बड़ा करना होगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा करूँगा ताकि बाद में मुझे आसानी हो निशान लगाने के लिए, आर्क लगाने के लिए। तो दिस इज़ माय एग्जैक्ट 40 डिग्री एंगल, दिस इज़ माय 40 डिग्री एंगल। अब मुझे एक आर्क बनाना होगा 5 सेंटीमीटर पे ताकि मुझे पता चले कि ये TN कितना है। तो 5 सेंटीमीटर पे हम एक आर्क बनाएंगे। ये हमने क्योंकि कंसीडर किया है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहीं से देख लेता हूँ ये कितना है और इसी पर एक आर्क बना दूंगा। दिस इज़ 5 सेंटीमीटर कंसीडर्ड। तो यहाँ पर रख कर इसे यहाँ पर एक आर्क बनाते हैं हम। तो ये हो रहा है कितना 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ये मेरा एंगल का जो चीज़ मेरे पास गिवन में था वो बन गया, तीन पॉइंट बन गए। तो इन दो बचे हुए पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, आखिर में जोड़ दूंगा। इन दोनों बचे हुए पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा और इस तरह से मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा विच इज़ NTS। होपफुली आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कराने वाला हूँ मैं इसका। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट थ्री का दूसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट फोर करेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर भी दो साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, हमें ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पर है इन PRS, ट्रायंगल PRS में RS इज 5.5 एंड RP इज 4.2 एंड मेजर एंगल R इज 100 डिग्री, मतलब कि इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे ये ट्रायंगल बनाना है। मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए मुझे सबसे पहले तो इसका बेस बनाना पड़ेगा विच इज़ RS। तो मैं RS बनाता हूँ। कितना बनाना है मुझे 5.5। तो मैंने ये RS बनाया, ये कितना है, ये है RS जो है 5.5। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं RP बनाऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे PRS बनाना पड़ेगा, एंगल PRS, और इट मस्ट बी 90 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपना प्रोटेक्टर उठाऊँगा और यहाँ पर इसे प्लेस करूँगा। अब क्योंकि इस तरफ लाइन है तो नीचे वाले ज़ीरो को पकड़ते हुए हम कहाँ तक आना है, हमें 90 तक। तो दिस मस्ट बी माई 90 एग्जैक्टली। यहाँ पर एक निशान बनाकर छोड़ेंगे और रूलर की मदद से इन दोनों को जोड़ लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लंबा जोड़ेंगे ताकि हमें 4.4 पर निशान लगाने का मौका मिल पाए। तो ये हमने जोड़ा एंड दिस इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, 4.2 पर एक आर्क बनाना है। फिर से मैं क्या करूँगा, अब की बार अपना राउंडर लूँगा
और 4.2 राइट, 0.4 कुछ यहाँ पर, ओके 8.4 दिस। तो अब मुझे यहाँ से एक मार्क बनाना है यहाँ पर, परफेक्ट। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। जैसे ही मैंने जोड़ूंगा तो मेरा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये देखकर सिर्फ आप नहीं समझ सकते, इसको प्रैक्टिकली आपको करना होगा। तो बकल अप गाइस और फटाफट करो। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो और आगे हम करेंगे अब प्रैक्टिस सेट 4। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 4। 1, 2, 3 तक हो चुका है, दिस इज फोर्थ एक्सरसाइज। इसके बाद में भी 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज बाकी बचेगी, वो हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 4। अब तक हमने क्या किया, ट्रायंगल बना रहे थे हम अलग अलग तरीकों से। पहले हमने जो ट्रायंगल बनाया, जो हमने प्रैक्टिस सेट 2 में बनाया, उसमें तीनों साइड्स दी हुई थी, वो बनाना बहुत आसान था। उसके बाद में जब हमने 3 में बनाया तो उसमें 2 साइड दी हुई थी, 1 एंगल दिया हुआ था। अब हम जो फोर्थ में बनाएंगे, इसमें 2 एंगल दिए हुए हैं और 1 साइड। चारों के चारों क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 2 एंगल दिए हुए हैं और 1 साइड दिया हुआ है। बनाना वैसे ही है, बड़ा आसान है। देखिए क्या है, इन ट्राइंगल एस ए टी, ट्राइंगल पहले हमने क्या किया है, ग्राफ इमेज बनाई है। एस ए टी में एंगल ए इज हाउ मच, 45 डिग्री, एंगल टी इज हाउ मच, 105 डिग्री, एंड ए टी इज हाउ मच, 6.4 सेंटीमीटर। तो इसे इस तरह से बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 6.4 का एक लाइन खींचेंगे जो हमारा बेस बनेगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज माई 6.4 लाइन विच इज 80, इसको मैं मानता हूँ 80। अब टी होने वाला है 105 और ए होने वाला है 45 डिग्री। तो ये है मेरा प्रोटेक्टर, इसे मैं यहाँ रखूँगा और अब देखिए कहाँ से काउंट करूँगा, बाहर की तरफ से, क्योंकि लाइन इधर है तो ये बाहर वाले जीरो को देखेंगे। बाहर वाले को जीरो को देखते हुए हमको कहाँ तक जाना है, 105 तक। तो ये 100 और 110 के बीच में क्या होगा, बट ऑब्वियस सी बात है 105 होगा। तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और एक लंबी वाली लाइन खींच देंगे भाई, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी लंबी जाएगी यहाँ से 45 डिग्री वाली। तो इसे खींचते हैं, इसे कोई भी आर्क इस्तेमाल करके कहीं से भी कट नहीं करना है, अपने आप ये लाइन जाकर वहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ से जो एंगल बनने वाला है वो कितना डिग्री का, इट इज़ 45 डिग्री। तो देखते हैं 45 डिग्री कहाँ लेकर जाता है हमें। अभी अब की बार इसको रखते हैं यहाँ पर। अब क्यों, अब हमने इस तरफ से गिना था क्योंकि ये लाइन इस तरफ थी, अब लाइन उस तरफ है, तो वहाँ से अंदर से गिनेंगे कहाँ तक जाना है हमें, 45 डिग्री तक। तो दिस इज़ माई 45 डिग्री हेयर, निशान लगा देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों भी रेस को हमें जोड़ना है, देखते हैं ये कहाँ जाके जुड़ती है, शायद उसे भी थोड़ा बढ़ाना पड़े, ऐसे थोड़े से अगर अतरंगी अजीब से फिगर्स बने तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसे भी थोड़ा लंबा करना होगा, और ये यहाँ पर जाकर कहीं मिलेगा, इससे पहले तो ये मिलेगा नहीं भैया। तो दिस इज माय एस ए टी, जहाँ पर ए इज 45 डिग्री एंड टी इज 105 डिग्री। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, अब 3 या 4 करने वाले हैं। उससे पहले आप एक काम कीजिए, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का लास्ट सम। इसके बाद में हम यहाँ ऑफ करेंगे और अगले वाले एक्सरसाइज में बाकी 3 या 2 जो एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट बचे हुए वो करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। यहाँ पर क्या दिया हुआ कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई इज 7.3। अब आप कहेंगे सर आप तो हमेशा एक्स वाई जेड ऐसे लेते थे, अब आपने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, इसलिए मुझे एक्स वाई को बेस बनाना पड़ेगा। हवा में लटका हुआ ट्राइंगल तो हम बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इस बारी एक्स वाई को बेस ले लेंगे। तो एक्स वाई जेड में एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है विच इज 7.3 सेंटीमीटर, उसे 7.3 लेंगे और इस तरह से 2 एंगल लेके उन्हें जोड़ेंगे। पिछले वाले सम की तरह है, तो मैं कराने जा रहा हूँ, जरा देखिए। एक तो पहले तो 7.3 की एक लाइन खींचनी है अपने को, तो मान लेते हैं ये है, थोड़ा और नीचे, नहीं तो ये बहुत ऊपर जाता है यार।
दिस इज 7.3, मान लेते हैं ये है एक्स वाई। अब मुझे यहाँ से 34 डिग्री और वहाँ से 95 डिग्री बनाना है, ओके तो देखते हैं बनता है क्या और कैसे बनता है। तो दिस मस्ट बी, यहाँ से रखूँगा तो 34 डिग्री, तो 35 से एक नीचे यहाँ पर आएगा इस तरह से। अब इसे खींच लेंगे, इस तरह से, ओके। अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, 95 डिग्री, दिस मस्ट बी y मस्ट बी 95 डिग्री। तो इसे यहाँ रखेंगे और इस बार लेफ्ट साइड से गिरेंगे बाहर की तरफ से, 95 यहाँ पर आ रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहा है, वेरी गुड। तो ये थोड़ा अच्छा सोबर सा बनने वाला है, देखते हैं। ओके, ये हो गया आपका 95 डिग्री। तो दिस इज़ माई 95 डिग्री एंड दिस इज़ माई 34 डिग्री एंड दिस पॉइंट जहाँ पर ये दोनों जुड़ रहे हैं, इट इज़ जेड। तो इस तरह से बनेगा हमारा एक्स वाई जेड, ये होगा 7.3 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है ये पूरा सॉल्व। उससे पहले आप लोग प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बात याद रखिए, ये कंप्लीट हुआ नहीं है, 2 या 3 प्रैक्टिस सेट बाकी है। जैसे मौका मिलेगा वीडियो आ जाएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर साइनिंग ऑफ फ्रॉम वन मैन शो, थैंक यू।